Bye. Bye. Thank you. रोशनी, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूं। इस हाल में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं तुमसे अभी बात करना चाहता हूं रोशनी। हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। मेरा दिमाग पक रहा है रोशनी। तो मैं क्या करूं? अजी प्लीज यहां तमाशा मत खड़ा करो। वारी औरत, कौन कहता है तू अबला है? तू तो एक खूबसूरत भला है। कौन कहता है तू सीता है? तू तो प्रणीता है। तेरा हर रूप बेरूप है, बेरूप। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा ये रूप ही देख लिया। तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान हो तुम। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने प्यार का हाथ बढ़ाया तो मैंने तुम्हें गले से लगाया, आंखों पर बिठाया। क्या क्या नहीं किया मैंने? रोशनी नहीं अंगार हो। अंगार का काम है खुद चलना और दूसरों को भी चलाना। मैं तुम्हें बुझा दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं उसे मार दूंगा। अजय, छोड़ दो, अजय, छोड़ दो। जाओ, मैं संभालूंगा। मार दूंगा मैं उसे, छोड़ दो। रिवॉल्वर मुझे दो, छोड़ दो मुझे। अजय, होश में आओ। अजीत, अजय। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि इंतकाम का जज्बा डॉक्टर अजीत को कहां से कहां तक ले गया था। लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर अजीत पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि रोशनी की मौत एक सोचे समझे प्लान का नतीजा लगती है। और वैसे भी डॉक्टर अजीत ऐसा इंतहाई कदम उठाए, ये मुमकिन नहीं लगता। मैं दोबारा वही सवाल दोहराऊंगा कि अपने आप को शक के दायरे से अलग क्यों समझते हो? इसलिए कि मेरा पेशा जिंदगी देना है, लेना नहीं। और ऐसी जलील हरकत करने की मैं सोच भी नहीं सकता। इतना यकीन है अपने आप पर? खैर, कल आकर स्टेटमेंट पर दस्तखत करके जाना। सर, आपका शक कभी भी सबूत नहीं बन सकता। मैं जानता हूं, लेकिन आपको डर किस बात का? मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि इस तरह की छानबीन की खबरें अखबारों में छपेंगी, जिससे खामोखा की अफवाहें जन्म लेंगी और जिसे पढ़ के लोगों का हम जैसे इज्जतदार डॉक्टरों के पेशे पर से विश्वास उठ जाएगा। देखो, ऐसी छोटी छोटी बातों से विश्वास चला जाता है तो उसका जाना ही बेहतर है। लेकिन रोशनी दोबारा जिंदा नहीं होती। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन कम से कम कानून पर लोगों का विश्वास तो जिंदा होगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाय डॉ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, मॉर्निंग। मैंने दस्तखत कर दिए हैं। पढ़ करके आना। मैंने जैसा कहा था वैसा ही लिखा गया है। डॉक्टर अजीत, आज तक मैंने तुम्हारे बारे में जो जानकारी हासिल की है उससे मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को मासूम बनाकर पेश करने के चक्कर में तुम मुझसे कई जरूरी बातें छिपा रहे हो। जिस दिन मैं सख्ती पर उतर आऊंगा उस दिन तुम तोता बन जाओगे। सर, दरअसल मैं इस झमेले में उलझना नहीं चाहता। देखो, इस झमेले का तुम अहम हिस्सा बन चुके हो। जितनी चालाकी करोगे उतना ही भंवर में लिपटते जाओगे। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं कातिल नहीं हूं। मेरे पिछले हालात मेरे खिलाफ हैं। अपने जहन पर जोर डालकर मुझे बताओ, रोशनी के लिए तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ था या और कोई उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहते थे, जैसे कि डोगरा या कोई एक्स वाई जेड? जहां तक मुझे याद है, एक बार भीषण नंदा से मेरा झगड़ा हुआ था। भीषण नंदा कौन है? मिलिट्री सर्विस में लांस नायक था। कारोबारी जहनीत थी, इसलिए मिलिट्री सर्विस छोड़कर हमारे मेस और कैंटीन का कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। अब भी मटन, मच्छी, अंडे, तरकारी वगैरह सप्लाई करता है। हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ से घुल मिल गया था, सबकी इज्जत करता था। लेकिन जब रोशनी मुझसे दूरी बढ़ाने के लिए डॉक्टर कमल डोगरा के करीब पहुंच गई थी तो सारे जानने वाले उसके किरदार पर शक करने लगे थे।
यही बात मुझे खटकती थी और दूसरों के हौसले बढ़ाती थी। फिर एक दिन कैंटीन में मैंने देखा वो बिस्किट, चाय की पत्ती, चाय की पत्ती और क्या लगा? वो वाला फ्लास्क दिखाना, वो नहीं उसके बगल वाला, वो वाला नहीं, वो बगल वाला। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। वो मैडम आप है, मैंने देखा नहीं। और शरीफजादी बनती हो। चल, चल, बैठ। अजीत, क्या कर रहे हो तुम? कोर्ट में चलो, क्या तुम्हारा? अरे हो जाए मेरी वजह से, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वोट, वोट, माफी मांग। मैडम, मैडम मैं माफी चाहता हूँ। कर्नल साहब से मेरी शिकायत मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर आगे से भीषण नंदा का बर्ताव तुमसे और रोशनी के साथ कैसा था? आगे उसने कभी हमें परेशान नहीं किया, उल्टा किसी भी नर्स के साथ बात करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। जैसा मैंने कहा था, वो कारोबारी ज़हनियत रखता है, हाथ जोड़कर या पैर छूकर अपना काम निकाल लेता है। कहीं मुंह में राम बगल में छुरी वाली तो बात नहीं है? मुझे तो नहीं लगता सर। हम सबको ताज्जुब हुआ था कि उस दिन वो ऐसी हरकत कैसे कर बैठा। फिर रोशनी की नौकरी छोड़ने का कारण क्या हो सकता है? वो अपने घर की एक ही कमाऊ व्यक्ति थी, नौकरी छोड़ना उसके लिए आत्महत्या करने के बराबर था। हो सकता है डॉक्टर डोगरा की चुंगल से निकलने के लिए, या फिर तुम्हारी हरकतों से तंग आकर, या फिर बदनामी से बचने के लिए उसने नौकरी छोड़ दी हो। उसके मन में क्या था उसने कभी मुझे नहीं बताया सर। पचमढ़ी से निकलने के बाद ना तो वो घर गई, ना तो घर वालों को कोई चिट्ठी लिखी। कहीं वो डॉक्टर डोगरा के साथ उसके नर्सिंग होम में उसके साथ काम तो नहीं कर रही थी? बिल्कुल नहीं सर, डॉक्टर डोगरा के डिसमिसल के बाद वो उनसे कतराती थी। तो फिर तुम जरूर जानते होगे वो कहां रहती थी, क्या करती थी, किन किन लोगों से मिलती थी। यही मुद्दत मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसी मुद्दत में उसकी हत्या हुई थी। तुम्हारी खामोशी को मैं क्या समझूं? ऐतराफ है जुर्म? नहीं सर, ना मैं मुजरिम हूं और ना ही सरकारी गवाह बनना चाहता हूं। आप खामोखा मेरी जिंदगी को और मेरी इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं। तुम्हारी हिफाजत की मैं जमानत देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस हत्या से दूर दूर तक तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आगे क्या हुआ? नौकरी छोड़ने के बाद रोशनी भोपाल चली गई, मोहन मुल्तानी के पास। मोहन मुल्तानी कौन है? भोपाल का एक बहुत ही अमीर शख्स है, उसकी पहुंच दूर दूर तक है, हमारे मिलिट्री क्लब का एक ऑनरेरी मेंबर भी है। पिछले साल उसकी बीवी कैंसर का शिकार होकर अमेरिका में मर गई, उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनको साथ लेकर वो अक्सर पचमढ़ी आया करता था। इस तरह रोशनी से उसका परिचय हुआ और उन दिनों उनकी मुलाकातें बढ़ती गई थी। आंटी, आंटी, आप मुझे नहीं पकड़ पाओगी। आंटी, 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 यहाँ क्या है पिंकी? आंटी, आंटी, पकड़ो मुझे, मैं यहाँ हूँ। आंटी, पकड़ो मुझे। आंटी, आगे क्या हुआ? काम की बात बताओ। रोशनी का जन्मदिन 27 दिसंबर को होता था। मोहन मुल्तानी ने उसे लुभाने के लिए उसकी सालगिरह बड़े शानदार पैमाने पर मनाई थी। तुम चांद की तरह हमेशा रोशन रहो। परस्तार।
इतने सारे फूल देखकर लगता है कि तुम्हारे मिलिट्री वाले तुम्हें अभी तक भूले नहीं है। मुबारकबादी की कतार लगा दी है उन्होंने। लेकिन आपके मुबारकबाद देने का अंदाज भी उन सबसे निराला है। क्या जरूरत थी मुझे आसमानों पर बिठाने की? दिल ने कहा और कर दिया। दुआएं दिल से ही दी जाती हैं। मैं इतनी दुआओं के काबिल नहीं, मगर मैं तो कर्जदार हूं तुम्हारे प्यार का। मेरा मतलब जो प्यार तुमने मेरे बच्चों को दिया, उनके सर पर ममता का आंचल फैलाया, उनके लिए खुशियों का खजाना खोल दिया, क्या ये कर्ज नहीं? ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं गवर्नेस हूं उनकी, उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं तनख्वाह भी तो लेती हूँ। नंदा आओ अंदर आ जा। सालगिरह मुबारक हो मैडम। फूल वहां रख दो। जी। पार्टी का पूरा इंतजाम हो चुका है ना? जी। और याद रखना नंदा, कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हरगिज नहीं सर। चलो